देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एनएसय छात्र संगठन ने सरकारी नौकरियों के संविदा बढ़ती बेरोजगारी और प्रतियोगी छात्र राजू पटेल की आत्महत्या को लेकर प्रदेश सरकार के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल को एसडीएम सिटी के समक्ष ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगे ना पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने और एनयूएसआई के छात्र संगठन ने जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि यूपी सरकार दो दिन पहले जिस तरह से तुगलकी फरमान जारी करते हुए ग्रुप डी की बस्सी की कार्य करने वाली फरमान का प्रस्ताव लाया है, उसको लेकर बेरोजगारों में आक्रोश है। साथ ही सरकारी नौकरियों में संविदा का प्रावधान नौजवानों के मान और सम्मान के भी खिलाफ है। आज प्रदेश में बेरोजगार इस कदर बढ़ गया है कि यहाँ पर युवा हताश और निराश है, जिसके चलते वे आत्महत्या करने पर मजबूर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा आयोग, बेसिक शिक्षा परिषद, यूपीएसएससी व दरोगा और पुलिस से जुड़ी तमाम भर्तियों अभी लंबित है, जिसको भरने में कोई प्रस्ताव प्रदेश सरकार द्वारा नहीं लाया जा रहा है। सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रतियोगी छात्र आज आत्महत्या कर रहा है। सरकार की नीतियों के चलते जिस तरह से प्रतियोगी छात्र राजू पटेल ने आत्महत्या की, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। अगर सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती तो कांग्रेस जन आंदोलन खड़ा करेगा। देखिए, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि बढ़ती बेरोजगारी है और ऊपर से आप देखेंगे कुछ ही दिनों पहले हमारे बीच का जो हमारा प्रतियोगी छात्र राजीव पटेल था, अवसादग्रस्त होकर के आखिरकार जो युवा है कितनी साल तक नौकरियां करे, लगभग 13 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वह इलाहाबाद में रह करके कर रहा था। उसके बाद भी जब चयन प्रक्रिया में आता है तो योगी सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो छात्र विरोधी नीतियां हैं, उसका वह शिकार होता है। एक तरफ आप देखेंगे बढ़ती बेरोजगारी से जो छात्र युवा हताश और निराश होकर के आत्महत्या कर रहा है, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री कुत्ता पालने की बात कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ संविदा पर भर्ती करने की बात कर रहे हैं। या जो संविदा पर भर्ती की प्रक्रिया है, या कहीं ना कहीं जो युवा के मान सम्मान पर कचोट करता है, साथ ही साथ उनके ऊपर आत्मघाती एक प्रहार करता है। यदि योगी सरकार नहीं चेती है, हम सभी साथीगण, इसके बाद हम लोग मशाल जुलूस का भी कार्यक्रम है, हम सभी साथीगण अल्लाहपुर में मशाल जुलूस भी निकालेंगे। आज जो हमारा प्रोग्राम था वह हम सभी इन्हीं सब मसलों को लेकर के राज्यपाल महोदया को संदर्भित एक ज्ञापन है, और जिसमें हम सभी मांग किए हैं कि यह संविदा भर्ती का जो कानून है इसको वापस लिया जाए, साथ ही साथ राजीव पटेल को न्याय दिया जाए। ठीक है, सरकार जो है लगातार नौजवान और छात्रों को हताश करने के लिए प्रयास कर रही है। उसी के तहत उसने कार्मिक विभाग को यह आदेश दिया कि अब जो समूह गा और घा में भर्ती होंगी वो संविदा के आधार पर पाँच साल के लिए की जाएंगी, तब उन्हें परमानेंट किया जाएगा। ये ऐसा तुगलकी फरमान है जिससे हजारों उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र जो तैयारी करते हैं उनको निराशा हुई है, हताशा हुई है, और जिससे उनके अंदर क्षोभ भी है और वो निराश हुए हैं। उसी प्रकरण में आज इलाहाबाद में आपके चौधरी राजीव पटेल जी ने आत्महत्या कर ली। हम उनके इस आत्महत्या की न्यायिक जाँच मांग करते हैं और हम चाहते हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश सरकार सबसे ज़्यादा छात्रों नौजवानों से डरी हुई है और इसी कारण उनके लिए गलत नीतियां बना रही है। एसएसएफ जो उन्होंने कानून बनाया है वो अंग्रेज़ों से भी खतरनाक, जो रोलर एक्ट था उससे भी खतरनाक कानून है, ताकि छात्र और नौजवान की आवाज़ को दबा सके, बिना किसी कारण के मजिस्ट्रेटिव जाँच के उनकी गिरफ्तारी की जा सके। एक तरह से लोकतंत्र में आवाज़ को दबाने का ये जो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, पहले उसने किसानों को छला, फिर व्यापारियों को छला, उसके बाद इस समय छात्रों नौजवानों को छल रही है। तमाम हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जांच के नाम पर वो 50-50 साल तक नौकरी कर देते हैं, फिर उनकी जांच की जा रही है। इस समय पूरे प्रदेश में हर जनमानस को जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जिस तरीके से छलने का काम किया है, इसका सिर्फ एक मकसद है कि पूरी जनता जब परेशान रहेगी तो कोई हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, हम इस देश को लूट सकते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटने का काम किया था, उस समय ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जानलेवा पार्टी की सरकार है जो सबको लूटने का काम कर रही है। इसलिए मैं जनता अब सड़कों पर उतर रही है, नौजवानों ने भी आज विद्रोह किया है और आक्रोश व्यक्त किया है। हमारे एनएसयू के बड़े नेता हैं अखिलेश जी ने, और पूरे इलाहाबाद में उन्होंने जन आंदोलन कर रखा है। ऐसे हम कांग्रेस के सिपाही मिल करके जनता की आवाज़ को उठाना चाहते हैं। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।